1960 के दशक के माध्यम में हिंदी सिनेमा के दर्शकों का परिचय एक ऐसे खलनायक से हुआ था जिनकी बिलौरी आंखें हमेशा ही दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचती आई। लेकिन बहुत कम लोग इस बात से परिचित होंगे कि ये कमल किशोर कपूर यानी कि कमल कपूर 1940 और 1950 के दशकों में कई फिल्मों में हीरो बनकर आए थे। करियर के अलग दौर में करीब 3 दशकों तक वो सिनेमा के पर्दे पर खलनायकी के जौहर दिखाते रहे और फिर 1990 के दशक के माध्यम में सिनेमा की जगमगाती दुनिया को अलविदा कह गए। 22 फरवरी 1920 को पेशावर में जन्मे कमल कपूर की पढ़ाई लिखाई लाहौर में हुई थी। उनके बड़े भाई पुलिस अधिकारी थे जिनकी नियुक्ति तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस के नागपुर, जबलपुर और वर्धा शहरों में होती रहती थी। कमल कपूर के मुताबिक, पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने सोचा कि बड़े भाई के पास सेंट्रल प्रोविंस चला जाऊं, लेकिन अचानक मुंबई चला गया जहां मेरी मौसी के बेटे पृथ्वीराज कपूर पहले से ही रंगमंच और फिल्मों में अपनी खास पहचान बना चुके थे। ये साल 1944 का वाक्या है। संयोग से पृथ्वीराज कपूर ने उसी साल पृथ्वी थिएटर की नींव रखी थी। उन्होंने मुंबई में जन्मे कमल कपूर की बहुत मदद की। पृथ्वी थिएटर के नाटक दीवार में अंग्रेज अधिकारी की भूमिका के साथ कमल कपूर ने अभिनय की दुनिया में पहला कदम रखा था। साल 1946 में कमल कपूर की पहली फिल्म दूर चले प्रदर्शित हुई। दुर्गा पिक्चर्स के बैनर में बनी इस फिल्म के निर्देशक फनी मजूमदार, संगीतकार केसी डे और नायक नायिका कमल कपूर और नसीम थे। ये फिल्म तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन इसने कमल कपूर को थोड़ी बहुत पहचान जरूर दे दी। इसके बाद कमल कपूर ने वनमाला के साथ हातिमताई, सुरैया के साथ डाक बंगला, हुस्न बानो के साथ परदेसी मेहमान, पाकिस्तान से आई अभिनेत्री रागिनी के साथ इंसान, श्यामा के साथ जग्गू और गीता बाली के साथ अमीर जैसे कुल 21 फिल्मों में बतौर नायक का काम किया। लेकिन जग्गू को छोड़कर बाकी कोई भी फिल्म चल नहीं पाई। डाक बंगला कमल कपूर के द्वारा साइन की गई पहली फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म उनकी 1-2 फिल्मों के बाद प्रदर्शित हुई थी। राज कपूर के बतौर निर्माता निर्देशक साल 1948 में बनी पहली फिल्म आग में कमल कपूर ने नायक राज कपूर के पिता की भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस तरह की तमाम भूमिकाओं को अस्वीकार कर दिया था। कमल कपूर के मुताबिक वो दौर ऐसा था जब उनका करियर दशाहीन हो चला था। चरित्र भूमिकाएं वो करना नहीं चाहते थे और बतौर नायक उनकी तमाम फिल्में एक एक करके फ्लॉप होती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने खुद ही फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। साल 1951 में उन्होंने निर्माता निर्देशक राजेंद्र नाथ जौली के साथ मिलकर फिल्म कश्मीर बनाई, जिसकी मुख्य भूमिकाओं में उनके साथ अरुण, वीना, निरुपा रॉय और अल नासिर थे। संगीत हंसराज बहल का था, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल पाई। साल 1954 में कमल कपूर ने स्वतंत्र रूप से फिल्म खैबर का निर्माण किया। कपिल पिक्चर्स के बैनर और केदार कपूर के निर्देशन में बनी इस फिल्म के संगीतकार हंसराज बहल और नायक नायिका कमल कपूर और निगार सुल्ताना थे। कमल कपूर के मुताबिक फिल्म खैबर इतनी बुरी तरह से पिटी कि मैं सड़क पर आ गया। यहाँ तक कि साल 1946 में मैंने जो कार खरीदी थी वो भी बिक गई। नायक की भूमिका मिलना तो दूर, छोटे मोटे काम भी मिलना बंद हो गए। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। कभी कभार आखिरी दाव जैसी एक हाथ फिल्म जरूर मिली, वरना मैं 9 साल तक बेकार बैठा रहा। आखिरी दाव में मैं पहली बार खलनायक बना था। कमल कपूर के करियर का खलनायक का दौर सही मायने में साल 1965 में बनी फिल्म जौहर महमूदीन गोवा से शुरू हुआ। इसका श्रेय वो मशहूर निर्माता निर्देशक स्वर्गीय यश जौहर को देते हैं। उनके मुताबिक यश के जहन में नाटक दीवार की मेरी भूमिका ताजा थी, इसीलिए फिल्म जौहर महमूद इन गोवा में अंग्रेज खलनायक की भूमिका के लिए आईएस जौहर को मेरा नाम यश जौहर ने ही सुझाया था। इस फिल्म की कामयाबी के साथ ही कमल कपूर के अच्छे दिनों की शुरुआत हुई और आगे चलकर उन्होंने जौहर इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन हांगकांग, जब जब फूल खिले, राजा और रंक, दस्तक, पाकिजा, पापी, चोर मचाए शोर, 5 राइफल्स, 2 जासूस, दीवार, खेल खेल में, मर्द और तूफान जैसी कई फिल्मों में छोटी बड़ी भूमिकाएं की। साल 1967 में बनी फिल्म दीवाना में वो एक बार फिर से राज कपूर के पिता की भूमिका में नजर आए थे।
कमल कपूर के मुताबिक फिल्म जब जब फूल खिले के जुबली समारोह से ट्रॉफी लेकर जब मैं पत्नी के साथ देर रात बाहर निकला तो भारी भरकम ट्रॉफी को उठा पाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। उस रोज पृथ्वीराज कपूर ने हमें लिफ्ट देकर अपनी गाड़ी से हमारे घर तक पहुंचाया था। ऐसे में मुझे साल 1954 में फिल्म खैबर के फ्लॉप होने की वजह से बिकी अपनी कार की बहुत याद आई थी, और यही वजह है कि मेरे जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन वो था जब साल 1966 में मैंने फिर से कार खरीदी। साल 1975 में बनी फिल्म दीवार में मैंने सिर्फ एक हास्य की छोटी सी भूमिका की थी। यहाँ तक कि बैंगलोर में तो एक रोज ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही ने मुझसे मिलने के लिए काफी दूर तक मेरी गाड़ी का पीछा भी किया था। साल 1993 में बनी फिल्म जख्मी रूह कमल कपूर की आखिरी फिल्म थी, जिसके बाद उन्होंने अभिनय को अलविदा कह दिया था। तीन बेटों और दो बेटियों के पिता कमल कपूर के छोटे दामाद स्वर्गीय रमेश बहल अपने दौर के मशहूर निर्माता निर्देशक थे, जिन्होंने द ट्रेन, जवानी दीवानी, कस्मे वादे, बसेरा, पुकार और इंद्रजीत जैसी करीब एक दर्जन फिल्में बनाई थी। कमल कपूर के छोटे भाई रविंद्र कपूर भी अभिनेता थे। उन्होंने 1950 के दशक में सुन तो ले हसीना, मैंने जीना सीख लिया और खूबसूरत धोखा जैसी फिल्मों में नायक की भूमिका की थी। आगे चलकर वो चरित्र भूमिकाएं करने लगे थे। जिंदगी के करीब 50 साल हिंदी सिनेमा को देने वाले अभिनेता कमल कपूर का निधन 2 अगस्त 2010 को 90 साल की उम्र में मुंबई में हुआ।